दोस्तों, कुछ लोगों के भीतर स्किल और टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, तो कुछ लोग कड़ी मेहनत करके अपनी शानदार स्किल को दुनिया के सामने पेश करते हैं, जिसका कारनामा देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। हालांकि कई लोग हर काम के लिए जुगाड़ का तरीका अपनाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जुगाड़ से तो भाई हर काम आसान हो ही जाता है। और फिर जब कोई काम आसानी से हो ही रहा है तो उसके लिए मेहनत करने की क्या ही जरूरत है ना। लेकिन एक बात यह भी है कि जुगाड़ के लिए भी ना दिमाग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना दिमाग लगाए गए कोई भी जुगाड़ किया ही नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनका जुगाड़ के मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है यार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को जरूर दबा दीजिएगा और वो बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, जुगाड़ की दुनिया के नंबर वन उस्ताद से मिलिए। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि एक शख्स बाल सुखाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में एक शख्स प्रेशर कुकर पकड़े हुए, जबकि दूसरा लड़का भाप से अपने बालों को सुखा रहा है। वो अपने बालों को स्टीम की मदद से सेट कर रहा है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को ब्लैक लवर ओएक्स ने शेयर किया है। वीडियो का कैप्शन लिखा है कि सस्ता हेयर ड्रायर, इसे 14.3 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 5.75 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। यहाँ कई लोगों को ये देसी जुगाड़ पसंद आया, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे बेवकूफी भरा बताया। एक यूजर ने कमेंट किया, ये इंडिया है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जबकि एक ने लिखा, यार वो कुकर फट भी सकता है, जरा आराम से। दोस्तों, लोगों को अपने बालों से खूब प्यार होता है, इसीलिए लोग महंगे महंगे सैलून में जाते हैं। लेकिन इस शख्स ने कसम खा लिया है कि सैलून वालों के मार्केट को ये खराब करके रहेगा। जी हाँ, वायरल हो रहे इस 30 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बाइक मिरर लेकर कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके हाथ में जलता हुआ एक स्टिक है। देख सकते हैं कि शख्स उसकी आग से अपने बालों की कटिंग कर रहा है। लोग इसे लेटेस्ट फायर कटिंग का नाम भी दे रहे हैं। कुर्सी पर बैठे शख्स के एक हाथ में मिरर है तो दूसरे हाथ में फायर स्टिक है। वो मिरर में देखकर सिर के अलग अलग हिस्सों में फायर स्टिक को लगाता है और बाल जला देता है। इससे कुछ ही सेकंड में उसके बड़े बड़े बाल छोटे हो जाते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इससे शख्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। वीडियो IPS रुपिन शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आग वाली हेयर स्टाइल भारत के नॉर्थ ईस्ट में कहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है। इसका कैप्शन दिया गया है, जुगाड़ द इंडियन, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स जहां जीप का टायर लगा होता है उससे सुपारी के फल तोड़ रहा है। इससे वो अकेले ही सारा काम कर रहा है, ना किसी मजदूर की जरूरत है ना किसी और की। जीप को देखकर लगता है कि वो कोई पुरानी सी जीप है, जिसका यूज ये सुपारी की खेती करने वाला किसान अपने लिए कर रहा है। वीडियो देखने के बाद कुछ यूजर्स को जुगाड़ पसंद आया। कुछ यूजर्स ने इसे बेकार आइडिया बताया और लिखा कि भैया डीजल इतना सस्ता नहीं है, ऐसे ना करो। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किसान ने देसी जुगाड़ का सहारा लेकर सामान को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाने वाली ट्रॉली तैयार कर ली है। इस ट्रॉली में सबसे खास बात यह है कि किसान ने अपने जुगाड़ के जरिए घुमावदार पहियों का यूज किया है। इस ट्रॉली में तीन तीन के समूह में दो पहिए लगाए गए हैं, जिससे ट्रॉली को सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। कोई भी भारी सामान बेहद आराम से चढ़ाया जा सकता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखकर एक पिता ने अपने घर पर ही गार्डन में अपने बच्चे के लिए ये जबरदस्त जुगाड़ फिट कर दिया। दोस्तों, हालांकि जुगाड़ के मामले में अपने देसी डैडीज भी कुछ कम नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, झारखंड के प्रवीण ने अपने बेटे के लिए घर में ही साड़ी से झूला बना दिया। दिमाग है तो क्या पॉसिबल नहीं है यार, है ना, ये देख के तो यही लगता है। अब दोस्तों, जब बात झूले की हो ही रही है तो इस वीडियो को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक का इस्तेमाल कर बड़े से झूले को सड़क पर दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। शख्स ने जुगाड़ से अगले पहिए को निकाल दिया और उसे झूले से जोड़ दिया। झूले के चारों तरफ स्कूटर टायर लगा दिए। गौर करने वाली बात यह है कि झूले में बाइक के बिल्कुल करीब बस ट्रक की तरह स्टीयरिंग भी असेंबल की गई है, जिसे ड्राइव करते वक्त कंट्रोल भी कर रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो शख्स तेज रफ्तार से सड़क पर झूले के साथ बाइक को दौड़ा रहा है। इसी दौरान एक दूसरा शख्स अपने मोबाइल से इसको कैद कर लेता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब कैमरा करीब आता है तो नजर आए कि झूले पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ एक खाट
आर्ट भी है। ये जुगाड़ का वीडियो देखकर हर कोई इस शख्स को टैलेंटेड बता रहा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, वैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। जबरदस्त टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं भारतीयों के पास हर समस्या का समाधान रहता ही रहता है। भारत भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कारपुलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन की बचत कर रहे हैं। एक शख्स एक ऐसा कारपुलिंग समाधान या देसी जुगाड़ लेकर आया जिसने नेटिजंस को सोच में डाल दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया। जेवी सिंह ने ट्वीट किया, सरकार ने पेट्रोल डीजल को आसमान पर पहुंचाया तो जनता ने भी नया जुगाड़ हवाई जहाज बना लिया। जी हां, वीडियो में एक शख्स मोटर बाइक की सवारी कर रहा है जिसमें लकड़ी के तख्ते लगे हुए हैं और उन पर महिलाएं आराम से बैठी हुई नजर आ रही है। चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में सड़क पर दो या तीन नहीं बल्कि 9 सवारियों के साथ ड्राइव करता है और तेज रफ्तार में चलाता है। शख्स का बैलेंस इतना बढ़िया है कि किसी को उसकी ड्राइविंग से घबराहट भी नहीं होती है। जब हम बाइक के आगे वाले हिस्से को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पर सवार 5 महिलाएं और 4 बच्चे हैं जो उसे चला रहे हैं। अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो, करीब 9-10 महीने का बच्चा बेड पर अकेला बैठा होता है और अचानक उसका मन बिस्तर पर से उतरने का करता है। वो बेड के नीचे देखता है और उसे ये समझ में आता है कि अगर वो बिना किसी सहारे के उतरा तो उसे चोट भी लग सकती है। इसीलिए वो पहले ही बेड की ऊंचाई को भांप लेता है और नीचे उतरने के लिए वो बिस्तर पर रखे कपड़ों को गिराने लगता है और अंत में वाह यार बड़े ही प्यार से नीचे उतर जाता है। और दोस्तों, सेलिब्रिटी भी कम नहीं होते हैं। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट पर वीडियो शेयर किया जिसमें जैकलीन हेलीकॉप्टर की विंडो सीट पर बैठी दिख रही हैं। जैकलीन ने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है और अपने बालों को खुला छोड़ रखा है। जैकलीन अपने कुछ बालों को हेलीकॉप्टर की खिड़की के छोटे छेद से बाहर निकाल देती है और कुछ देर हवा में उड़ने देती है। हवा से उनके बाल कर्ल हो जाते हैं। जैकलीन वीडियो में ये 2 बार करती हुई दिख रही है। दोस्तों, अंग्रेजी में एक शब्द है जिसे बोलते हैं डाई, यानी कि डू इट योरसेल्फ। पेश है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल। रूस के एक बुजुर्ग शख्स ने खुद से ही एक बड़ा काम कर दिया। उन्होंने एक ऐसी व्हीलचेयर बना डाली जो लिफ्ट का भी काम करती है और इस शख्स का नाम अलेक्सांद्र यूडीन है। इनकी उम्र 69 साल है। 3 साल पहले की बात है, अलेक्सांद्र को एक कार हादसे में चोट आ गई थी जिसके बाद उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उन्होंने खुद ही एक जुगाड़ किया। उन्होंने अपने घर की 3री मंजिल पर जाने के लिए इस कुर्सी को लिफ्ट का रूप दे दिया। दरअसल उन्होंने अपनी कुर्सी को धातु के तारों से बांधने का जुगाड़ किया। इसके जरिए सीधे उनकी व्हीलचेयर उनकी बालकनी तक जाती है। इसको उन्होंने सोलर पावर से भी जोड़ दिया है कि अगर कभी बिजली चली जाए तो भी भैया किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, वो ऊपर नीचे कर सके। दोस्तों, यहाँ कई लोग मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ और उतर रहे हैं तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बंदर ने सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए उसने जो दिमाग लगाया ना, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बंदर ने नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगी स्टील की ग्रिल का यूज किया। बंदर को मजेदार एक्ट करता हुआ देख पास में मौजूद किसी शख्स ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ना, मजेदार। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस सीरीज में आगे की भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। बाय बाय।